हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है और पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड होता है, शब्द होता है। तो ये जो वर्ब है ये भी एक शब्द है। ओके, अब इस शब्द के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब बहुत लिमिटेड होते हैं। टोटल ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे पास 24 है, और ये आपके पूरे 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। फाइन, तो अगर आपके क्वेश्चन में ऑक्सिलरी वर्ब पहचानने के लिए आता है तो आप बहुत आराम से पहचान सकते हो। ये जो है इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं और इसको हम मोडल्स भी कहते हैं। ओके, तो आप देख लेना आपके ऑप्शन में क्या आता है। फिर मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब एक्शन वर्ब्स होता है, जिसका V1, V2, V3, V4, V5 बन सकता है। ओके, जैसे ये है एक्शन वर्ब, इसका V1, V2, V3 है। और V4 क्या होता है? V4 होता है जैसे बाइट है, तो इसमें ING लगा दो तो ये क्या हो जाएगा? V4 हो जाएगा। अब इसको अगर V5 बनाना है तो बाइट है तो आप बाइट्स कर दोगे तो ये V5 बन जाएगा। ओके, वैसे ही जैसे डू है, अगर V4 बनाना है तो ING लगा दो, अगर V5 बनाना है तो S या ES लगा दो। तो ये भी पहचानना बहुत आसान है। और मेन वर्ब बहुत सारे होते हैं, आप अगर देखोगे तो। आप देखिए ये टेबल, जो मेरे पेनड्राइव स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये टेबल मिली है। और ये मेन वर्ब V1, V2, V3 लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक फाउंडेशन है। फाउंडेशन के ऊपर ही आपकी ग्रामर की बिल्डिंग खड़ी हो सकती है। जो वॉइस है इस V1, V2, V3 पर बेस्ड है, स्पीच इसी पर बेस्ड है। जो आपका कंजंक्शन है, सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स, इसी पर बेस्ड है। तो आपके पूरे ग्रामर के टॉपिक्स इस वर्ब पे बेस्ड है। तो आपको इसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, V1, V2 और V3। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लीड पता है, मगर लीड का V2 क्या होता है, V3 क्या होता है ये पता ही नहीं है। होल्ड का होल्डेड बोल देते हैं, मगर होल्ड का V2, V3 हेल्ड हेल्ड होता है। ओके, तो इसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। फिर आपके क्वेश्चन में मैंने देखा है, जो इस बार आया था क्वेश्चन, उसमें ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स भी थे ऑप्शन में। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट डिमांड करते हैं, जैसे ही थ्रू अ बॉल। तो सबसे पहले वर्ब देखो, ये वर्ब है। अब इस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। रीज़न ये है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डिमांड करता है। ऑब्जेक्ट डिमांड करने का मतलब क्या है? अगर सपोज मैं लिखती हूँ ही थ्रू, आपको लगेगा ही थ्रू, व्हाट डिड ही थ्रो, इसने क्या थ्रो किया है, तो ये इनकम्प्लीट है। और यदि मैं ऑब्जेक्ट इसमें डाल देती हूँ ही थ्रू अ बॉल, तो ये जो थ्रो है ये अपने साथ एक ऑब्जेक्ट डिमांड कर रहा है। अगर आप ये ऑब्जेक्ट हटा देते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है, ऐसा लगता है कि वर्ब के बाद कुछ आना चाहिए था। ओके, अब जैसे प्लीज ब्रिंग कॉफी, अब मैं इस कॉफी को हटा देती हूँ, प्लीज ब्रिंग, व्हाट शैल आई ब्रिंग, क्वेश्चन उठता है ना। तो ब्रिंग यहां पर एक ऑब्जेक्ट डिमांड कर रहा है, अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। फाइन, तो ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑब्जेक्ट डिमांड करता है और इनट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं डिमांड कर सकता है। हालांकि आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, मगर ऑब्जेक्ट डिमांड नहीं करता है। इन अ नेचुरल स्टेट इनट्रांजिटिव वर्ब्स ऑब्जेक्ट डिमांड नहीं करता है। अब जैसे मैंने बोला ही स्माइल्ड, इट्स ओके, स्माइल डजंट नीड एनी ऑब्जेक्ट। तो इन इट्स ओन वे दिस सेंटेंस इज कंप्लीट। तो ही स्माइल्ड एकदम कंप्लीट सेंटेंस है, ही स्लेप्ट तो सही है। हाँ, अगर आपको ऑब्जेक्ट लगाना तो आप लगा सकते हो, ऑब्जेक्ट लगाने के बावजूद भी ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स रहेगा, ही स्माइल्ड एट मी, ही स्लेप्ट इन बेड। मगर अगर हम ही स्माइल्ड बोलते हैं तो ये अपने आप में कंप्लीट है, और ऐसा नहीं लग रहा है कि स्माइल के बाद कुछ ऑब्जेक्ट लगना चाहिए। मगर हम बोलते हैं ही थ्रू, तो हमें लग रहा है कि भाई थ्रू के बाद कुछ तो आना चाहिए। अब स्टेटिव वर्ब्स भी आपके एग्जाम में मैंने देखा था कि क्वेश्चन में ऑप्शन में आया था स्टेटिव वर्ब्स। तो स्टेटिव वर्ब्स ऐसा वर्ब होता है जो अपने साथ ING नहीं लेता है। जैसे मैंने बोला ईट,
ईट के साथ आप आई एन जी लगा के ईटिंग कर सकते हो, ड्रिंक के साथ आई एन जी लगा के ड्रिंकिंग कर सकते हो, मगर कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो अपने साथ आई एन जी नहीं लेते हैं, और वो ये वर्ब्स हैं, सी, हियर, टच, टेस्ट। तो आप सीइंग, हियरिंग, टचिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग, साउंडिंग, नोटिसिंग नहीं बोल सकते हो। नोइंग, अंडरस्टैंडिंग, डाउटिंग, रिमेम्बरिंग, प्रॉमिसिंग, अग्रिंग, माइंडिंग, लविंग, लाइकिंग, हेटिंग, ये सब कुछ नहीं होगा। तो इस पे एरर भी पूछा जाता है, ये सारे वर्ड्स में आई एन जी लगा देते हैं तो वो एरर होता है, इसमें आई एन जी नहीं लगता है। और इसमें कुछ एक्सेप्शंस है मगर मैं इसमें नहीं बता सकती एक्सेप्शन, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा वर्ब स्टेटिव वर्ब्स है, कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब्स है, कौन सा वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब्स है।